हे फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। तो आज फिर से मैं आई हूँ एक छोटी सी वीडियो और छोटी सी रेसिपी के साथ। एक ऐसी रेसिपी जिसको हम हमेशा फेंक देते हैं या डस्टबिन में डाल देते हैं, उस वेजिस के साथ मैं आपको एक रेसिपी, एक सब्जी बनाना सिखाऊंगी, बताऊंगी, जो नॉर्मली मैं बनाती हूँ और मुझे खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत अलग टेस्ट का होता है और बहुत ही जल्दी झटपट बन जाता है। नॉर्मली उसको हम यूज नहीं करते हैं, बट उसको यूज कैसे कर सकते हैं इसकी मैं एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे कि मेरे पास है ये फूल गोभी। इस फूल गोभी का जो ये साइड में पत्ते वाला डंठल वाला साइड होता है, ये मैंने निकाल दिया इस तरीके से। ये सारे निकाल दिए, जो जो ग्रीन पार्ट था, फ्रेश था, वो मैंने निकाल लिया है और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसकी सब्जी बनाएंगे जो बहुत ही जल्दी, मतलब आप उसको कुक करें तो 5 से 7 मिनट के अंदर ये बन जाएगा। और नॉर्मली इसको हम वेस्ट करते हैं, इसको हम फेंक देते हैं, बट इससे भी एक सब्जी बन जाएगी और जो बहुत ही जल्दी और टेस्टी बनेगी। इसको मैं बनाना शुरू करती हूँ। बस इसके लिए हमने ये फूल गोभी लिया है, फूल गोभी की जो एक साइड्स है ये ले लिया है हमें। इसमें इस फूल गोभी का कोई यूज नहीं है, इस फूल गोभी की आप अलग से एक सब्जी बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से ये लिया है, साथ में मैंने लिया है ये चॉपर। आप इस तरीके का चॉपर ले सकते हैं, उससे ज्यादा आसान होगा कटिंग करना। तो आप इस तरीके से जो ये है इसको थोड़ा मोटा मोटा कट करके, ऐसे रफली काट के थोड़ा छोटा करके, ताकि इसके अंदर ये आ जाए, इस तरीके से काट के इसमें डाल सकते हैं। तो सी फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने थोड़े से ये कट कर लिए है। इसमें मैं इसको कवर करके ये इस तरीके से, ये मेरा चॉपर थोड़ा छोटा है इसलिए मैं हाफ हाफ करके कर रही हूँ। आपके पास जैसा भी हो आप इस तरीके से, अगर बड़ा है तो आप एक साथ ही इसको कर सकते हैं। तो सी फ्रेंड्स, मैंने इसको चॉप कर लिया है और ये काफ़ी अच्छी तरीके से, देखिए एकदम बारीक अच्छे से फाइनली चॉप हो गया। बस इस स्टेज में मैं इसको निकाल के शिफ्ट कर लूंगी और जो बचे हुए हैं उसको भी इसी के साथ चॉप कर लूंगी। तो सी फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ये सारे जो इसके साइड के थे लीफ और डंठल के साथ, इसको मैंने ग्रेट कर लिया अच्छे से, सॉरी इसमें हैंड ग्राइंडर में इसको अच्छे से क्रश कर लिया है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, हैंड से अगर आप चाकू से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इस तरीके से करते हैं तो 2 मिनट में ये इजिली हो जाता है। तो चलिए इसका तड़का लगाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक रख लिया है पैन, पैन मैंने एक रख लिया है। इसके साथ मैंने लिया है थोड़ी से हाफ कटोरी, मतलब आप मुट्ठी में ले तो 1 से 1.5 मुट्ठी के आसपास ही चने की दाल है। ये कोई भीगी हुई सोख की हुई नहीं है, नॉर्मल जैसे होती है वैसे ही चने की दाल। और 2 साबुत मिर्च मैंने इसके साथ लिया है, 1 प्याज को मैंने फाइनली काट लिया है और इसमें लिए थोड़े से कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ता बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं अगर आप नहीं खाते हैं या आपके पास अवेलेबल नहीं है। 1 लहसुन की कली है, इसको मैंने इसे हल्का सा कूट लिया, तो इस तरीके से 1 लहसुन की कली ले सकते हैं हम। और अगर आप चाहें तो इसमें अदरक डालें, अगर आप अदरक लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो ये तीनों चीज़ें आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं इसमें। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेल, बहुत थोड़ा सा तेल डाला है। इसके साथ ही मैं डालूंगी इसमें हींग, हींग बिल्कुल अवॉइड मत कीजिएगा इसमें। साथ में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी इसमें मैं डाल दूंगी सरसों। इसको अच्छे से चटकने का वेट करेंगे। तो ये थोड़ा अच्छे से चटकना शुरू हो गया। इसी स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने ये गार्लिक हल्का सा क्रश करके रखा था, इस गार्लिक को इसमें डाल दूंगी। इसको 2 मिनट भूनने देंगे। इसके साथ फ्लेम को मीडियम में रखिएगा, ज़्यादा हाई में फ्लेम नहीं रखना है, नहीं तो ये चीज़ें जल जाएंगे। जलना नहीं होना है, इसे अच्छे से सिर्फ हल्का सा लाइटली भूनना है। बस इसी स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी साबुत मिर्च और इसी के साथ डाल दूंगी मेरी चने की दाल और इसको कर दूंगी लो फ्लेम में, थोड़ा मीडियम फ्लेम में इसको मुझे इसमें भूनना है। तो सी फ्रेंड्स, इतना ये भून गया है, इसी के साथ में डाल दूंगी जो मैंने करी पत्ता और प्याज काट के रखा था, इसी में ऐड कर दूंगी इसको। इसको भी कर दूंगी एक अच्छा सा मिक्स। स्वाद के अनुसार इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, इसको एक अच्छा सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें इसको कवर करके करीबन 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इसको मैंने कवर कर दिया है। 4 से 5 मिनट का वेट करने के बाद हम इसका लीड ओपन करके चेक करेंगे। तो फ्रीज सी फ्रेंड्स, इसके कवर करके मुझे हो गया है 2 से 3 मिनट। मैं बीच में मैंने एक बार मिक्स किया था, ये देखिए ये बिल्कुल बन के तैयार है, अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है, पक चुकी है ये सब्जी, कितनी खिली खिली, मतलब एक भुजिया टाइप का ये रेडी हो जाता है। इसका बहुत अलग टेस्ट है,
आपको जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए। वेस्टेज से आप एक सब्जी बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में, जब कुछ ना हो घर पे, तो इसको आप एक बार ट्राई कीजिए परांठे के साथ या दाल राइस के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए मैं इसकी प्लेटिंग कर देती हूँ। तो सी फ्रेंड्स, मैंने कर दी है इसकी प्लेटिंग और कितना अच्छा टेक्सचर है इसका, बहुत ही टेस्टी है। ये भुजिया टाइप का बनकर रेडी है, आप इसको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। वेस्टेज से एक सब्जी बना सकते हैं आप और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है, खाने में भी इसका बहुत अलग और बहुत अच्छा टेस्ट है। और बहुत ही जल्दी, मुश्किल से रिकॉर्डिंग टाइम अगर हटाएं आप तो 5 मिनट में ही बनके तैयार हो जाता है, बस सब्जी और प्याज अगर कटे हुए हों तो। प्लीज़ अगर ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं। और रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।